नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवहर भारतवर्ष। शिवहर जिला के 24 वर्षीय लड़का चंदन कुमार, जो यूक्रेन में फंसा हुआ है, बंकर में रहने पर मजबूर है। वहां पढ़ने के लिए गए थे, जो मेडिकल की MBBS का छात्र है, वह यूक्रेन की राजधानी कीव के बोगोमोलेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जिसका फ्लाइट का टिकट 25 का था, लेकिन 24 को वहाँ अटैक होने के कारण वह वहीं फंस चुका है। उसके माता पिता का कहना है कि वहाँ उसे सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। भारत सरकार से अपील किया है कि हमारे लड़के को जल्द से जल्द वहाँ फंसे सभी बच्चों को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करे। लाइव सिवर भारत वर्ष संवाददाता दानिश खान के साथ भास्कर कुमार की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। चंदन कुमार गुप्ता, जो यूक्रेन में MBBS के पढ़ाई के लिए गए हुए थे, जो यूक्रेन और रशिया के बीच डिस्प्यूट होने की वजह से वो वहीं पे फंसे हुए हैं, और उनके माता पिता का दर्द हम अपने शब्दों में क्या बयां करूं, यह आप तमाम लोग जानते ही होंगे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनके माँ तो बोल नहीं सके, लेकिन उनके पिताजी से हम कोशिश कर रहे हैं बोल समझने का। आपका लड़का जब यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए फ्लाइट का टिकट का व्यवस्था जब हुआ था, तो क्या हुआ था? सबसे पहले मैं आपके स्वागत करता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और इस दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। यहाँ मेरा लड़का चंदन कुमार गुप्ता यूक्रेन के कीव राजधानी है, उसमें बोगोमोलेट यूनिवर्सिटी है, उसी के हॉस्टल में वो तृतीय वर्ष का MBBS का छात्र है। उसका युद्ध होने से पहले ही टिकट 10 दिन पहले बना हुआ था, 25 तारीख का। उसके एक दिन पहले 24 तारीख से ही युद्ध वहाँ चालू हो गया, जिसके कारण पूरा वहाँ का जो भी एयरपोर्ट है सारे बंद हो गए। 24 तारीख से ही सारा फ्लाइट कैंसिल हो गया, जिसके कारण वहाँ आने में असमर्थ हो गया। उसके बाद दिन प्रतिदिन वहाँ युद्ध का स्थिति बढ़ रहा है। लड़का, हजारों लड़के पूरे इंडिया का, जिसमें बिहार का भी 20-25 लड़के हैं, वो हॉस्टल के बंकर में छिपे हुए हैं। वहाँ जो उन्हें चलाने वाला जो खाना देता था वह देता था, उसका भी व्यवस्था बंद हो गया है। फिलहाल जैसे तैसे अपना बंकर में रह के समय गुजार रहा है। हम यही आशा करते हैं बिहार सरकार और भारत सरकार से कि जितना जल्द से जल्द हो वहाँ से सारे बच्चे को निकालने का प्रयास करें। लास्ट बार आपका लड़का से कब बात हुआ था? लड़का से बात हो रहा है, वहाँ बात जो संपर्क जारी है। हाँ, संपर्क जारी है। तो वहाँ का सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन है कि उसके अलग बलग में बमबारूद गिर रहा है, युद्ध भयावह स्थिति में है। सिचुएशन है। हाँ, वहाँ घर से निकलना मना है, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, और कब तक सामान्य स्थिति में होता है इसका कहना कहा नहीं जा सकता है। इससे भारत सरकार बगल के कंट्री रोमानिया है, वहाँ से अपने 2 प्लेन भेज के मंगवाए भी हैं बच्चे का, लेकिन वो रोमानिया के अलग बलग के जो नज़दीक है अपना यूक्रेन का, वहाँ के बच्चे ही सिर्फ रोमानिया किसी तरह जाके वहाँ गए और एयरपोर्ट से लाए हैं, लेकिन मेरा लड़का कीव राजधानी जो यूक्रेन का है वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, रोमानिया को जो मेन शहर है उसमें है, वहाँ के राजधानी के मेन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रहा था, जहाँ से निकलने का कोई अभी उपाय नहीं है, जिससे हमको बताया जा रहा है। उनके खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था वहाँ के सरकार की होगी? नहीं, किसी तरह का कोई व्यवस्था सरकारी वहाँ नहीं है, सब लोग अस्त व्यस्त है वहाँ। तो भारतीय दूतावास है, उनसे कंसल्ट में हो रहा है, लेकिन उनसे भी बहुत मदद, कुछ मदद अभी नहीं मिल रहा है। लड़के लोग अपने व्यवस्था से ही किसी तरह अपना समय बिता रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, किसी तरह का कोई बाहरी सपोर्ट वहाँ नहीं मिल रहा है। तो आज जो बिहार सरकार भी आज 200 कुछ बच्चे को मंगवाई है, तो जो यूक्रेन के बगल राजधानी है दूसरे राज, वहाँ से मंगवाए हैं। यूक्रेन के बगल में जो रोमानिया देश है, वहाँ एयरपोर्ट से लैंड हो रहा है, आ जा रहा है,
यूक्रेन में जितने भी एयरपोर्ट है सारे के सारे बंद है, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। इसलिए रोमानिया के जो बगल में 500 किलोमीटर के दायरे में जो यूनिवर्सिटी जो बच्चे रहते थे वो लोग किसी भी प्रकार अपना चले गए रोमानिया में, और वहाँ भारतीय दूतावास के कर्मचारी लोग उसको अपने स्तर से वो एयरपोर्ट पर ले जाके वहाँ से दो आया है जो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो मेन शहर वहाँ का जो राजधानी है यूक्रेन का कीव, वहाँ का स्थिति बहुत गंभीर है। वहाँ से अभी निकलने का कोई उपाय नहीं है। जो बच्चे जहाँ हैं वहीं यथावत है। भारतीय दूतावास से भी बहुत मदद नहीं मिल रहा है, जैसे बच्चा बता रहे हैं ये लोग अपने व्यवस्था से किसी तरह जो खाने पीने का व्यवस्था किए हुए हैं उससे अपना खा पी के रहा है। हाँ, भारत सरकार ने तो अपना गाइडलाइन भी जारी किया है, कुछ नंबर है। हाँ, जो ट्वीट करके अपना नंबर भी जारी किया है, तो क्या उस नंबर पे संपर्क करने की आप कोशिश किए हैं? हम ऐसे लड़का लोगों का ग्रुप बना हुआ है यूक्रेन में। तो बिहार के कितने बच्चे वहाँ पे है आपके लड़के के साथ? वहाँ हमारे लड़के के साथ 20-25 बच्चे बिहार का भी है, यहाँ के फ्रेंड है उसके सब है। और वहाँ कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है भारत सरकार से तो बच्चे के जानकारी होता है, सबका ग्रुप बनाया हुआ है, वो सोशल मीडिया पर बराबर जानकारी मिलता रहता है। भारतीय दूतावास अभी है उससे बहुत कुछ अभी वहाँ मिल नहीं रहा है। बच्चे अपने व्यवस्था से वहाँ रह रहे हैं, किसी का बाहरी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और युद्ध अगर लंबा खींचता है तो बच्चे लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। अगर साफ तौर पे कहा जाए तो ना भारत सरकार से कुछ उनको सहायता मिल रहा है और ना ही यूक्रेन सरकार से, और वो बच्चे लोग अपने पॉकेट मनी का जो भी पैसा हो उस हिसाब से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और वो टैंक में रहने पर मजबूर हैं। और अगर युद्ध लगातार ही जारी रहा तो सवाल यहाँ उठ रहा है कि वो बच्चे लोग खा पाएंगे कहाँ से। ऐसे भारत सरकार की जो विदेश मंत्री है उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन बच्चों लोगों को कैसे भी यहाँ लाने की कोशिश की जाए, चाहे वो रशिया से बात हो तो या यूक्रेन से बात होकर युद्ध को शांत कराकर जैसे भी हो वो बच्चों को लाने। इस स्थिति में आप उनके माता जी हैं, उनके माता जी पर क्या दर्द गुजर रहा है, क्या आप बोल सकते हैं? कुछ गुस्से थे अभी है विस्तार में विदेश में लड़का को खाने के लिए नहीं है, कैसे आएगा जल्दी से आने से पसंद। देखिए वो माता जी अपने रोने पर मजबूर है, और सारे आदमी जाना है माता पिता के दिलों में इस समय क्या दर्द गुजरता होगा वो तो हम लोग अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसे विशेष रूप से बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि अपने स्तर से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से लोकेशन बनाकर बातचीत करके वहाँ जो फंसे हुए हैं जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है उस जगह पर अपना भारतीय सेना के माध्यम से हो चाहे जिस भी माध्यम से हो, चाहे यूक्रेन सरकार से हो चाहे रूसिया सरकार से हो, बात करके करवा के जल्दी से जल्दी बने रहिए। धन्यवाद।